हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रंची और क्रिस्पी दाल वड़ा। तो उसके लिए लगने वाली सामग्री, एक कप चना दाल, एक चॉप्ड ऑनियन, 3 चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड करी लीव्स, सॉल्ट टू टेस्ट और ऑयल टू फ्राई। तो शुरुआत करते हैं। हमें चना दाल को 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। अब हम भिगोई हुई चना दाल को मिक्सी में पीसेंगे। इसे हमें बिना पानी डाल के पीसना है। अगर आप पानी डाल के पीसते हैं तो आपको चना दाल वड़े का जो शेप होता है वो अच्छी तरीके से वो शेप होल्ड नहीं कर पाएगा और आपके जो वड़े हैं वो बहुत ही कड़क हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने चना दाल पीसी है उसका टेक्सचर बहुत ही दरदरा है। ऐसा टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम पीसी हुई चना दाल एक बाउल में लेंगे। उसमें अब हम डालेंगे चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड कोरिएंडर, चॉप्ड करी लीव्स और सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम इस मिक्सचर को कंबाइन करेंगे और इसके छोटी छोटी टिक्कियां बना के लेंगे। देख सकते हैं कैसे मैंने जो टिक्की होती है वो कैसे मैंने प्रिपेयर की है। आप अपने पसंद की शेप की टिक्की बना सकते हैं, पर यूजुअली जो दाल वड़ा होता है उसका शेप ऐसे ही होता है, गोल। अब हम ऐसे ही हमारी बाकी की टिक्कियां बनाकर रेडी करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कैसे मैंने टिक्कियां बनाकर रेडी की हैं। अब हम तेल को गरम करने के लिए रखेंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके दाल वड़ा डालेंगे। हमें इसे डालने के बाद तुरंत पलटना नहीं है क्योंकि वो स्पून को चिपक जाएगा और उससे हमारे दाल वड़े बहुत ही स्मैशी हो जाएंगे। हमारे दाल वड़े टूट भी सकते हैं। और तलते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी गैस मीडियम फ्लेम पे है। अगर आपकी गैस फास्ट है तो क्या हो जाएगा, अंदर से आपके दाल वड़े कच्चे ही रह जाएंगे। हमें दाल वड़ों को बहुत ही धीमी आंच पर फ्राई करना है और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। आपका दाल वड़ा जो है वो अंदर से कुक हुआ है कि नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा। पहले ऑयल में जो बहुत बबल आ रहे थे वो अब कम आना शुरू होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके दाल वड़े अंदर से बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अब हम उसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। आपके क्रिस्पी और क्रंची दाल वड़े रेडी है। आप इसे देख सकते हैं, हमारे दाल वड़े अब रेडी है। इसे आप चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसे बनी है। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर रेसिपीज स्टे ट्यून्ड।